गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी क्लास सेकेंड ईयर की इस कक्षा में हम लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे। और लाइकोपोडियम में अब तक हम उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ ही उसके गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट है या युग्मकोद्भिद पादप है, उसमें किस किस प्रकार से जनन होता है। तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार का जनन है, एक वर्धी जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। वर्धी जनन, जिसे कि कायिक जनन भी कहा जाता है, ये अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि पहला प्रकार है गैमी द्वारा। गैमी जो होता है वो लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में जो युग्मकोद्भिद की शाखाएँ होती हैं उस पर उत्पन्न होता है। और ये जो गैमी है वो छोटी वृंत युक्त मुग्धर आकार या क्लब शेप्ड बहुकोशिकीय मोटे भित्तीय कोशिकाओं से बनी भोज्य पदार्थ युक्त संरचना होती है। जब ये गैमी अपने मातृ पौधे से अलग हो जाती है तो ये नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है, और ये केवल लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में पाई जाती है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें ये लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया का गैमेटोफाइट है। इसके ऊपर बाहर की तरफ ये पैराफाइसिस बने हुए हैं और पैराफाइसिस के शीर्ष पर ये गैमी उत्पन्न हुई है। इस गैमी से जब इसके आंतरिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरह की संरचना होती है, और इस प्राथमिक गैमी से द्वितीयक गैमी भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो मेथड है वो है पुराने भाग के मृत होने तथा सड़ने से। कई बार क्या होता है कि जो युग्मकोद्भिद होता है वो पानी की अधिकता की वजह से उसका कुछ भाग जो होता है मृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो बाकी का बचा हुआ भाग होता है वो वृद्धि करके नए युग्मकोद्भिद का निर्माण कर लेता है। लाइकोपोडियम इनंडेटम जो जाति होती है उसमें युग्मकोद्भिद अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो जो बचा हुआ भाग है उससे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि अलग होकर नया युग्मकोद्भिद बनाने में सक्षम होती हैं। तो ये था वर्धी जनन। अब जो दूसरा प्रकार है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मुख्य है। तो लैंगिक जनन में लाइकोपोडियम के अंदर केवल एक ही प्रकार का युग्मकोद्भिद पाया जाता है, और उसी एक ही युग्मकोद्भिद के ऊपर नर जननांग व मादा जननांग लगते हैं, इसलिए ये उभय लिंगाश्रयी होता है। यानी इसमें नर व मादा जो जननांग हैं दोनों ही एक ही युग्मकोद्भिद पर पाए जाते हैं। पुंधानी व स्त्रीधानी समूह में युग्मकोद्भिद के शीर्ष भाग पर लगते हैं, लेकिन पुंधानी का जो परिवर्तन है वो पुं पूर्वी होता है, अर्थात पुंधानी जो होती है वो स्त्रीधानी से पहले विकसित होती है। अब देखते हैं पुंधानी की संरचना क्या होती है। तो जो लाइकोपोडियम होती है वो उसके अंदर पुंधानी युग्मकोद्भिद पादप में अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, जबकि जो लाइकोपोडियम सिलेगो प्लांट है उसमें ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि इसमें इसके चारों ओर एक स्तरीय भित्ति पाई जाती है, और इस भित्ति के शीर्ष भाग पर एक तिकोनी ऑपरक्युलर या प्रच्छदीय कोशिका होती है। ये जो कोशिका होती है वो पुंधानी के स्फुटन में सहायता करती है, और पुंधानी के अंदर जितने भी पुंबड़ू बनते हैं वो सभी द्विकशाभिक होते हैं। पुंधानी का परिवर्धन, तो जो पुंधानी है वो युग्मकोद्भिद के ऊपर बन रही है और वो भी उसके शीर्ष भाग पर बन रही है। तो जो युग्मकोद्भिद होता है उसके शीर्ष भाग पर स्थित सीमांत मेरिस्टेम से उत्पन्न सतही कोशिका पुंधानी का निर्माण प्रारंभ करती है, और ये कोशिका जो होती है वो पुंधानी आरंभिका या एंथ्रेडियल इनिशियल कहलाती है। अब ये जो एंथ्रेडियल इनिशियल है इसके अंदर एक परिणतिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये देखिए डायग्राम में, ये जो कोशिका है वो एंथ्रेडियल इनिशियल या पुंधानी आरंभिका है। अब इसमें परिणतिक विभाजन हुआ। परिणतिक विभाजन का मतलब होता है कि ये बाहर की तरफ एक कोशिका बनाती है और एक कोशिका अंदर की तरफ बनती है। तो बाहर की तरफ जो कोशिका बन रही है वो होती है जैकेट इनिशियल
या बाहरी जैकेट आरंभिका, और अंदर की तरफ जो कोशिका बन रही है वो होती है प्राथमिक एंड्रोगोनियल सेल या प्राथमिक पुंजनक कोशिका। ये दो प्रकार की सेल्स हो गई। अब क्या होगा कि जो जैकेट आरंभिका है उसमें अपनतिक विभाजन होगा जिसके द्वारा एक स्तरीय बाहरी जैकेट का निर्माण होता है। अपनतिक विभाजन जो होता है वो किसी भी ऐसी सतह को ढकने के लिए होता है जो थोड़ी उभरी हुई होती है या जिसे कवर करने के लिए अधिक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये इसमें अपनतिक विभाजन होगा और जिससे ये इसकी परिधि के ऊपर एक स्तरीय कोशिका का निर्माण कर देगी। और बाहरी जो जैकेट है उसमें एक सबसे ऊपर की तरफ एक तिकोनी ऑपरक्यूलर कोशिका भी बनती है जिससे कि जो पुंगड़ू होते हैं वो बाहर आते हैं। अंदर की तरफ जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है इसमें देखते हैं कि अब क्या होगा। जो प्राथमिक एंड्रोगोनियल या प्राथमिक पुंजनक कोशिका है उसमें बारंबार विभाजन हो रहा है और इसके फलस्वरूप बहुत अधिक संख्या में पुंजनक कोशिकाएं या एंड्रोगोनियल सेल्स बनती हैं और अंतिम विभाजन के बाद ये कोशिकाएं पूर्व पुंगड़ू कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि अब ये सीधे पुंगड़ू में परिवर्तित हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्व पुंगड़ू कोशिका या एंड्रोगोनियल मदर सेल कहलाती हैं। ये जो एंड्रोगोनियल मदर सेल या पूर्व पुंगड़ू कोशिका हैं इनमें मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होता है और कायांतरण के बाद ये कुंतलाकार, कुंतलाकार का मतलब होता है पीयर शेप या नाशपाती के आकार की द्विकशाभिक पुंगड़ू में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इसमें बहुत अधिक संख्या में विभाजन हुआ और विभाजन के फलस्वरूप ये इस तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं। अब जब ये कोशिकाएं पूर्व पुंगड़ू कोशिका में बदल गई हैं तो ये कोशिकाएं अभी स्क्वायर शेप में होती हैं। तो जब इन कोशिकाओं में कायांतरण होता है तो ये इस तरह से पहले गोलाकार शेप में आती हैं और बाद में ये कुंतलाकार शेप में आ जाती हैं। साथ ही इसमें दो कशाभिकाओं का भी निर्माण हो जाता है। ये परिपक्व एंथ्रीडिया है जो कि युग्मकोद्भिद पादप के उत्तकों में ही धसी रहती है, बाहर नहीं निकलती है। पुंधानी का जो स्फुटन होता है वो प्रच्छदीय कोशिका के द्वारा होता है और यहाँ से फिर जो पुंगड़ू होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो जननांग है वो है स्त्रीधानी। स्त्रीधानी जो होती है उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, ग्रीवा तथा अंडधा। अंडधा जो होता है वो चौड़ा आधारीय भाग होता है और ये युग्मकोद्भिद में धंसा रहता है, जबकि जो ग्रीवा होती है वो युग्मकोद्भिद से बाहर निकली रहती है। ग्रीवा की लंबाई अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है और सबसे लंबी जो ग्रीवा होती है वो लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम तथा लाइकोपोडियम सिलेगो में पाई जाती है। स्पेसर्ड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो भूमिगत युग्मकोद्भिद होता है उसमें स्त्रीधानी की ग्रीवा लंबी पाई जाती है, जबकि जो वायवीय युग्मकोद्भिद होता है उसमें स्त्रीधानी की ग्रीवा छोटी होती है। ग्रीवा कोशिकाओं की चार पंक्तियों से बनी होती है और प्रत्येक पंक्ति जो होती है वो तीन या अधिक कोशिकीय ऊंची होती है। ग्रीवा के अंदर की तरफ ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं जो कि 1 से लेकर 16 तक हो सकती है। वायवीय युग्मकोद्भिद में केवल एक ही ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है। लाइकोपोडियम सिलेगो में 7 तथा कंप्लेनेटम में 14 से लेकर 16 तक ग्रीवा नाल कोशिकाएं बन सकती हैं। अंडधा में एक अंडधा नाल कोशिका व एक अंड होता है। अंडधा की अपनी कोई भित्ति नहीं होती है और यह युग्मकोद्भिद के उत्तक द्वारा घिरा रहता है। अब देखते हैं स्त्रीधानी का परिवर्धन किस तरह से होता है। तो जिस तरह से पुंधानी के परिवर्धन के लिए एक सतही कोशिका पुंधानी प्रारंभिका का कार्य करती है, उसी तरह से स्त्रीधानी के परिवर्धन के लिए भी जो एक सतही कोशिका होती है वो स्त्रीधानी आरंभिका की तरह कार्य करना प्रारंभ कर लेती है। सबसे पहले इसमें परिणतिक विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बाहर एक अंदर। बाहरी कोशिका होती है जिसे आवरण कोशिका कहा जाता है और भीतरी कोशिका होती है उसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। आवरण कोशिका जो है उसमें अपनतिक विभाजन होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं जिसके फलस्वरूप ग्रीवा आरंभिकाएं बनती हैं
और ये ग्रीवाक आरंभिकाएं अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा तीन या अधिक कोशिकीय ऊंची उदग्र पंक्ति बनाती हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर बाहरी आवरण कोशिका थी उसमें एक, जैसे कि ये आवरण कोशिका है तो इसमें पहला विभाजन इस तरह से हुआ और दूसरा विभाजन इस तरह से हुआ, एक दूसरे के समकोण पर। तो इस तरह से ये चार कोशिकाएं बन गई। अब ये ही चार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होगी तो क्या होगा, चार कोशिकाओं की एक टायर, उसके नीचे चार कोशिकाओं का दूसरा टायर और फिर चार कोशिकाओं का तीसरा टायर, या जितनी लंबी ग्रीवा बननी होती है उतने टायर बन जाते हैं। जो केंद्रीय कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप एक प्राथमिक नाल कोशिका तथा दूसरी प्राथमिक अंडदा कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सतही कोशिका है वो आर्किगोनियल इनिशियल की तरह कार्य करेगी। अब इसके अंदर एक परिणतिक विभाजन होगा और बाहर की तरफ प्राथमिक कवर कोशिका बन जाएगी और अंदर की तरफ केंद्रीय कोशिका बन जाएगी। ये जो कवर कोशिका है इसमें दो विभाजन हुए जो कि एक दूसरे के समकोण पर हैं, तो जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनी जिसमें से दो हमें यहाँ दिखाई दे रही है और दो पीछे की तरफ होती हैं। नीचे जो केंद्रीय कोशिका है उसमें फिर से एक विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं और वो होती है एक प्राथमिक अंडदा कोशिका, प्राथमिक नाल कोशिका और दूसरी होती है प्राथमिक अंडदा कोशिका। आगे चलकर इसमें और विभाजन होते हैं अलग अलग स्पीसीज में। ये जो ग्रीवा होती है इसकी लंबाई अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विभाजन होते हैं। अगर जैसे लाइकोपोडियम कम्प्लेनेटम है जिसकी ग्रीवा काफ़ी लंबी होती है, उसमें 14 से लेकर 16 तक कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो ग्रीवा होगी उसमें 12-13 बार विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप 14 कोशिकीय ग्रीवा बन जाएगी, 14 कोशिका ऊंची ग्रीवा बन जाएगी और प्रत्येक जो कोशिका है वहाँ पर चार चार कोशिकाओं का टायर होता है। और अंदर की तरफ जो ये नाल कोशिका बनी है, प्राथमिक नाल कोशिका, ये विभाजन करके उतनी ही संख्या में नाल ग्रीवा नेक कैनाल सेल या ग्रीवा नाल कोशिका का निर्माण कर लेती है। और अंडदा जो कि नीचे का फूला हुआ भाग होता है वहाँ पर केवल एक अंडदा नाल कोशिका तथा दूसरी जो होती है वो एग कोशिका पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे हम ये परिपक्व आर्किगोनिया है जिसमें सबसे नीचे की तरफ एक एग सेल है, दूसरी अंडदा नाल कोशिका या वेंटर कैनाल सेल हैं और ऊपर की तरफ जितनी भी कोशिकाएँ हैं वो नेक कैनाल सेल या ग्रीवा नाल कोशिकाएँ हैं। तो यहाँ पे हम लाइन डायग्राम से देख सकते हैं, स्त्रीदानी आरंभिका परिणतिक विभाजन हुआ, एक आवरण कोशिका बनी, दूसरी केंद्रीय कोशिका बनी, आवरण कोशिका में से चार ग्रीवा आरंभिकाएं बन गई और ये फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा तीन या अधिक कोशिकीय ऊंची ग्रीवा की चार उदग्र पंक्तियों का निर्माण कर रही हैं। केंद्रीय कोशिका में फिर अनुप्रस्थ विभाजन होता है और बाहर की तरफ प्राथमिक नाल कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक अंडदा कोशिका बन जाती है। प्राथमिक नाल कोशिका फिर से विभाजन करके जितनी ऊंची इसकी ग्रीवा होती है उसके अकॉर्डिंग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जबकि जो प्राथमिक अंडदा कोशिका होती है वो फिर से विभाजन द्वारा अंडदा नाल कोशिका और अंड कोशिका का निर्माण करती हैं। प्रत्येक आर्किगोनिया में केवल एक ही अंडदा नाल कोशिका और एक ही अंड कोशिका होती है। अब बात करते हैं निषेचन की। जब स्त्रीधानी परिपक्व हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल एक अंदर की अंड कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं विघटित हो गई हैं और ये विघटित होकर एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती हैं और ये पदार्थ जो होता है वो एंथेरोजॉइड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो जब यहाँ पे एंथेरोजॉइड आते हैं तब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और यहीं पर जहाँ पर कि ग्रीवा जो आर्किगोनिया की अंडदा होती है वहाँ पर जायगोट का निर्माण होता है जो जल्दी ही निषेचतांड में बदल जाता है। निषेचतांड आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो अत्यंत धीमी गति से होती है और जो होते हैं शिशु बीजाणुद्भिद को
भूमि तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। ब्रुकमैन ने बताया कि जो निषेकांड होता है उसमें पहला जो विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक ऊपरी निलंबक कोशिका और निचली भ्रूणीय कोशिका बनती है। तो ये अंडधा के अंदर उपस्थित निषेकांड है। निषेकांड में पहला अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप नीचे की तरफ एम्ब्रियो या भ्रूणीय कोशिका और ऊपर की तरफ सस्पेंसर सेल बनती है। अब ये जो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम जो प्लांट है, इसमें भ्रूण का परिवर्धन जो होता है वो एंडोस्कोपिक होता है। एंडोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जो भ्रूण है वो नीचे की तरफ, भ्रूण का जो ऊपरी सिरा है वो नीचे की तरफ होता है और बाद में ये यू घूम के, यू टर्न लेके और ऊपर की तरफ आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो भ्रूणीय कोशिका है, इस भ्रूणीय कोशिका में फिर से दो विभाजन होते हैं जो कि उदग्र होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे नीचे चार कोशिकाएं बन जाएंगी। और चार कोशिकाएं जो होंगी वो दिखने में इस तरह की होती हैं। ये चार कोशिकाएं हैं, इनमें फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे आठ कोशिकाएं बन गई जो दिखने में इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब ये फिर से अनियमित तल पर विभाजित होती हैं और भ्रूण का निर्माण करती हैं। इनकी जो डेस्टिनी होती है वो ये होती है कि जो नीचे का सोपान है, यानी कि जो दो टायर हैं इनमें से, तो यहाँ पे जो आठ कोशिकाएं बनी, इनमें से जो निचले सोपान की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ये वाली कोशिकाएं, तो इनमें दो कोशिकाएं जो होती हैं वो तो तने का निर्माण करती हैं और दो कोशिकाएं जो होती हैं वो लीफ और रूट का निर्माण करती हैं, जबकि ऊपरी सोपान की जो चार कोशिकाएं होती हैं वो फुट या पाद का निर्माण करती हैं। फुट का मतलब होता है ये बहुकोशिकीय ऐसी संरचना होती है जो कि भ्रूण को युग्मकोद्भिद के अंदर धकेलती हैं, जिससे कि युग्मकोद्भिद से भ्रूण अपना पोषण तब तक प्राप्त करता रहता है जब तक कि वो इस लायक ना हो जाए कि वो वृद्धि करके नया बीजाणुद्भिद बना ले। तो ऊपरी सोपान से जड़ तना पत्ती बन गया, निचले सोपान से जड़ तना पत्ती बन गया, ऊपरी सोपान से फुट का निर्माण हो गया। और ये जो सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर का कार्य होता है कि ये भ्रूण को या शिशु युग्मकोद्भिद को, शिशु बीजाणुद्भिद को युग्मकोद्भिद से जोड़े रखता है। अब इसमें कुछ और जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि जो बीजाणुद्भिद बनता है उससे पहली जो मूल बनती है वो बहिर्जात होती है, यानी ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस जो होती है वो उससे उत्पन्न होती है, जबकि बाद में उत्पन्न होने वाली सभी जड़ें जो होती हैं वो अंतर्जात होती हैं। जैसा कि जब हमने एनाटॉमी देखी थी लाइकोपोडियम की, तो उसमें देखा था कि जो रूट होती हैं वो एंडोडर्मिस से पौधे के शीर्ष भाग में उत्पन्न होती हैं और ये वलकुट के थ्रू मतलब संचरण करती हुई और नीचे जड़ के पास, मतलब तने के निचले हिस्से में आकर वहाँ से निकलती हैं, तो ये अंतर्जात हो गई। और इन रूट को क्लेडोजीन्स कहा जाता है। प्राथमिक स्तंभ जो होता है वो भी अल्पजीवी होता है और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन स्तंभ के जो आधारीय भाग होता है वहाँ से एक अपस्थानिक ऊर्ध्व उत्पन्न होता है जो बाद में क्षैतिज स्तंभ में बदल जाता है। स्तंभ के अंदर ठोस रंभ पाया जाता है, जबकि परिपक्व स्तंभ में जाइलम जो होता है वो पट्टिका रूप में या ताराकार रूप में या बिखरी हुई अवस्था में हो सकता है। स्मिथ के अनुसार आठ कोशिकीय भ्रूण जो होता है उसकी निचली सोपान एक गोलाकार संरचना प्रोटोकॉम के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके ऊपरी तल से सीधी शंकुआकार पत्ती जैसे कि प्रोटोफिल उत्पन्न होती है जो मध्य शिरा अथवा संवहन स्ट्रैंड रहित होती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पेसिफिकली लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया में पाई जाती है।
बॉवर ने यह बताया कि जो भ्रूण है वो अंतर्मुखी है, यानी कि एंडोस्कोपिक है, जिससे कि भ्रूण का जो शीर्ष भाग है वो स्त्रीधानी की ग्रीवा से दूर दिशा में वृद्धि करता है और भ्रूण की कोशिकाओं में कवक मूलीय कवक नहीं पाया जाता है। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया का ये युग्मकोद्भिद है। इस युग्मकोद्भिद के पास में ये प्रोटोकॉम जैसी संरचना बन गई जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद बनती है और इस प्रोटोकॉम से फिर आगे लीफ का निर्माण होता है। तो ये केवल स्पेसिफिकली लाइकोपोडियम सरनम में पाई जाती है। सॉरी, मैंने पहले फ्लैग्मेरिया बताया था, ये लाइकोपोडियम सरनम में पाई जाती है ये कंडीशन। तो ये कंडीशन लाइकोपोडियम सरनम में पाई जाती है जिसमें कि प्रोटोकॉम का निर्माण होता है और इससे प्रोटोफिल या शंक्वाकार पत्ती निकलती हैं और इन पत्तियों में संवहन पूल या संवहन स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं लाइकोपोडियम का ग्राफीय जीवन चक्र, यानी कि अब हमने इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ लिया तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि लाइकोपोडियम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से हो रहा है और इसका लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें लाइकोपोडियम जो है उसका बीजाणुद्भिद पादप है जो कि इसकी मुख्य अवस्था है। इस बीजाणुद्भिद पादप के ऊपर शंकु का निर्माण हुआ। ये शंकु बीजाणुपर्ण से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक बीजाणुपर्ण जो है उसके आधार में बीजाणुधानी लगी हुई है। इस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएँ हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या डबल से आधी हो गई अर्धसूत्री विभाजन की वजह से। तो अब ये जो बीजाणु हैं वे अगुणित बीजाणु हैं। अगुणित बीजाणु जब अंकुरित होंगे तो ये अगुणित युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करेंगे। युग्मकोद्भिद पादप जो होता है उसे प्रोथेलस कहा जाता है। ये अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद के ऊपर नर व मादा जननांग लगते हैं। नर जननांग जो होता है वो पुंधानी है जिससे कि पुमणु का निर्माण होता है, जबकि मादा जननांग जो है वो स्त्रीधानी है जिसमें कि अंड का निर्माण होता है। ये अंड और पुमणु जो दोनों ही अगुणित हैं, जब इनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके फलस्वरूप द्विगुणित निषिक्तांड का निर्माण होता है। निषिक्तांड जो है वो द्विगुणित संरचना है और जब इस निषिक्तांड से भ्रूण का निर्माण होगा तो ये भ्रूण आगे जाकर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था के बीच में एकांतरण पाया जाता है। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो समाप्त हो गई है। अब हम अगले लेक्चर में दूसरे प्लांट का अध्ययन करेंगे।